बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शादियों वाला दम का देगी चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाला है। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल आधी प्याली की से थोड़ा कम है। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो चिकन आधा केजी के करीब है। इसमें एक चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच भर के अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर एक बड़ा चम्मच, एक बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ उसको ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक हसबे ज़रूरत हसबे जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हम चम्मच चला के मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और भुन जाए और टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ऑयल जब अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा, चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब इस स्टेज पे हमें पानी ऐड करना है। पानी आधा गिलास के करीब हम ऐड करेंगे और कवर कर देंगे पकने के लिए। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए दो दालचीनी का छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं, तीन हरी इलायची, काली मिर्च 7 से 8, एक काली इलायची, लौंग 3 से 4, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी जायफल। इन सब चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। उसके बाद उसी जार में हम दही लेंगे आधी प्याली के करीब और 2 मीडियम साइज का प्याज को ब्राउन कर लेंगे। वो ब्राउन किया हुआ प्याज और थोड़ी क्रीम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे। अब 5 से 7 मिनट चिकन के पकते हुए हो गया है, कवर हटाएंगे और इस पिसे हुए दही, गोल्डन ब्राउन प्याज और क्रीम को हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम जो मसाला तैयार किए थे वो ले लेंगे। उसके साथ कोई भी किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला ले लें 1 चम्मच और जुलियन शेप में कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा धनिया काट कर ले लेंगे। सब चीज़ों को इस चिकन में हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए, इसे ज़्यादा नहीं हमें मिलाना है, बस इसे ऐसे मिला के और हम कवर कर देंगे और एक तवा गर्म रखेंगे। क्योंकि ये दम का चिकन है तो इसे हमें दम पे पकाना है। एक गर्म तवे को हम रखेंगे, उसके बाद इस गर्म तवे पे हम कढ़ाई को रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है, चिकन रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका फाइनल लुक, वाह कितना यमी और कितना टेस्टी दिख रहा है। आप इसे ज़रूर बनाइए, इस रमज़ान के महीने में आपको मज़ा आ जाने वाला है। सेहरी में बनाकर आप पराठों से, नान से, किसी भी चीज़ से खाइए, आप खाएंगे और इसका टेस्ट कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये शादियों वाला देगी चिकन दम का कोरमा है।